ये देखिए स्क्रीन पे जो आप फोटोग्राफ देख रहे हैं, ये माँ पूरी है, फैमिली बहन है, है। भाई है। हाँ, ये माँ है, उनकी पूरी फैमिली है, और किस तरीके से प्यारा सा एक फोटोग्राफ है। और इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि किस तरीके से रिलेशन में रहने के बावजूद एक घर में एक बिटिया जाती है, शादीशुदा 2 साल के साथ रहती है, और उसके बाद अगर छोड़ा जाता है तो मुझे लगता है कहीं। नमस्कार, मैं नीजू, स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने चैनल भोजपुरी गॉसिप पे। तो जी हाँ, बगल में दिखाइए, कैमरा मैन इधर जूम कीजिए, ये हैं किरण जी। और किरण जी इस समय एक कंट्रोवर्सी झेल रही है, और आपको पता है भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री गानों के लिए मशहूर है और साथ ही साथ कंट्रोवर्सी के लिए मशहूर है। रोशन रोही पता ही है, मघी सुपरस्टार है और मघी में गाने गाते हैं, लेकिन जो बगल में शख्स, जो लड़की, जो मॉडल बैठी हुई है, इनके साथ 2 साल के रिलेशन के बावजूद भी वो उन्हें चुके हैं। क्या है मामला? कई सारे मामले चल रहे हैं सोशल मीडिया पर, लेकिन सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आखिरकार रिलेशन था भी या फिर नहीं था, ये इन्हीं से पूछेंगे। सबसे पहले ये बताइए, रोशन रोही के साथ आप रिलेशनशिप में कितने सालों से हैं? 2 साल से। 2 सालों के बावजूद भी आप समझ नहीं पाए कि रोशन रोही किस तरीके का व्यक्तित्व है, किस तरीके का वो आदमी है, किस तरीके से बिहेवियर कर सकता है आपके साथ, कैसे? अब एक बात बताएं, आप किसी को इतना मानिएगा, ये कीजिएगा, और एक बैग आप धक्का मार दीजिएगा, पता चलेगा? नहीं चलता ना। नहीं, वही चीज़ मेरे साथ हुआ। तो एक बात बताइए, रोशन सिंह, ये रोही जी के साथ आपके रिलेशन जब अच्छे चल रहे थे, अच्छी अच्छी बातें हो रही थी, प्यार मोहब्बत की बातें हो रही थी, एक दूसरे के सपने सजा रहे होंगे कि फलाना ये चीज़ करेंगे, वो चीज़ करेंगे, लेकिन बिगाड़ कहाँ से शुरुआत होती है, कहाँ से खटकता है? एक जो जोड़ी होता है, हीर रांझे की जो जोड़ी होता है, कहीं ना कहीं उसमें से किस तरीके से जो खटासपन, स्टार्टिंग कहाँ से होती है कि भाई एक लड़की को लगता है कि अब जो मेरे साथ जो लड़का है वो मेरे को चीट करने लग रहा है, किसी और के साथ, किसी और के प्यार में गिरने वाला है, ये शुरुआत कहाँ से आपको किस तरीके से लगा? क्योंकि हालांकि बट हम बोलते नहीं थे, चलो अदर पर्सन ऐसा सुधर जाएगा, ये सुधरा नहीं, बिगड़ते ही गया। तो ये आपने क्या, मतलब आपने उन्हें पकड़ा है फोन पे बातें करते हुए? हाँ, क्योंकि ये फिल्म इंडस्ट्री है। हाँ, खुल के पकड़ा है, ये खुल के पकड़ा है। किस तरीके से पकड़ा है? क्या मतलब अवैध संबंध के रूप में पकड़ा है, या फिर बातें करते हुए सिर्फ पकड़ा है, प्यार मोहब्बत की जो बातें होती है? हाँ, सब चीज में उनको पकड़ा, सब चीज में। अवैध संबंध में भी आपने पकड़ा है, जिस तरीके से जो संबंध लोग बनाते हैं, फिल्म इंडस्ट्री का एक संबंध का गिरोह होता है, उस तरीके से तो आप रात भर कहाँ थे, नहीं तो उससे हमको क्या लेना देना? आपको तो हम यही ना, आप बोल के जाते हैं काम करने जा रहे हैं, हम तो वही सुन रहे हैं कि आप काम करने जा रहे हैं, हमको थोड़ी पता है कि आप गलत काम करने जा रहे हैं। अब उस चीज़ पे तो हम मैटर नहीं करेंगे, आप कहाँ गए, नहीं गए, काम के लिए गए, वो अलग बात होता है। बट आप जैसे बोल रहे हैं रोशन जी कि फैन लोग मेरे मैसेज कॉल करते हैं, तो आप रिप्लाई गंदा करते हो, आप फ़ोन छीन के गाली बकते हो, तो आप ऐसा कुछ हरकत किए तब तो हम ऐसा करना स्टार्ट किए, अनडायरेक्टली हम तो नहीं करने लगे। कुछ प्रूफ है, हम आपका देखे तब तो ऐसा हरकत करने पड़े। और आप जो कह रहे हैं मर्द की बात, कि मर्द के साथ तुम रही हो, क्या प्रूफ है लाए आप सामने? आपका प्रूफ तो मेरे पास सारा चीज है, आपके पास क्या? मतलब वो भी एलिगेंस लगा रहे हैं कि आपका भी रिलेशन है, आप भी कहीं और की तरफ मूवमेंट चले गए थे, तो क्या वाकई में ही उनके पास भी होगा? तभी तो वो आप पे आरोप लगा रहे हैं ना। यदि आप कह रहे हो कि वो गलत है, वो कह रहे हैं आप गलत हैं, तो कहीं ना कहीं वो चीज। मेरा तो कहना, सामने आके डायरेक्टली आप बात कीजिए। सामने क्यों नहीं आते आप? सामने आइए। सामने में तो उनकी कमी है कि वो जिस तरीके से नहीं आ रहे, लेकिन आप थाने पुलिस में भी गए, अपने रपट लिखाई, महले थाने में गई, तो महले थाने में क्या आश्वासन दिया गया, किस तरीके से आपकी जो वहाँ पे जो बारीकियाँ? 25 तारीख को लड़का नहीं तैयार होता, उस पर कार्रवाई किया जाएगा। 25 तारीख को फैमिली से किस तरीके से बातें होने लगी? मतलब आपने बात करने की कोशिश की, मम्मी पापा, जो जाहिर सी बात है कि 3 दिन पहले बात हुई, उनकी मम्मी बोल रही है जो बेटा चाहेगा वही होगा। तो बेटा अगर गलत जा रहा है तो मम्मी भी मतलब बेटे के साथ में रहेगी? हाँ, माँ सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं एक दूसरे का। अच्छा, एक बात बताइए, आप पे जब आरोप लगता है, आप पे जब आरोप लगेगा, तो आप इसके को कैसे, किस तरीके से डील करना चाहेंगे? रोशन रोही के प्यार में आप रहना चाहेंगे, दोबारा शादी करना चाहें, शादी करने में रिलेशन में रहेंगे, या फिर उन्हें क्यूट करना चाहते हैं? उनके साथ ही रहना चाहते हैं। क्यों आखिर, अगर वो आपको छोड़ना चाह रहा है तो फिर जबरदस्ती का रिश्ता आप क्यों? क्या छोड़ना चाहता है? अगर वो आदमी आपको छोड़ना चाह रहा है, वो सीधा सीधी जिस तरीके से साथ नहीं रहता ना, मेरे साथ नहीं रहता, छोड़ना ही था, मेरे साथ नहीं रहता।
क्या लग रहा है कि आपको जजमेंट मिलेगा? जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा। आप महिला आयोग में जिस तरीके से, बिहार में जिस तरीके से महिला आयोग कई सारी संस्थाएं हैं, क्या आप उनसे मिलने की कोशिश किया, आपने उनसे बात करने की कोशिश किया कि भाई जजमेंट दे? लाइक पुलिस कानून भी अलग है, लेकिन महिला आयोग भी बहुत ही चीज़ों को इस तरीके से देखती है, फैमिली को जाकर समझाती है। क्या आप वहाँ पे गए? कहाँ पे? महिला आयोग में जाने की कोशिश किया आपने कि किस तरीके से हो जाए? जा चुके हैं, वहाँ भी करवाई स्टार्ट है, अब बस पता करवाना, फिर एक बार जाएंगे। अच्छा, आप कुछ फोटोग्राफ आपके पास फैमिली का है, आप उनके साथ रहे हैं, जो चीज़ें आप दिखा सकते हैं, ये कि इससे एक हो जाए कि हाँ भाई फैमिली के साथ दो सालों से आप उनके साथ ही रहे, और फैमिली जानबूझ के भी इग्नोर कर रही है कि भाई बेटा गलत है तो हम भाई बेटे की तरफ ही रहेंगे। किस तरीके से आपके पास कुछ फोटोग्राफ वगैरह हैं आप बताएंगे, दिखाना चाहेंगे आप ज़रा सा? देखिए मामला सिंपल सी बात है, रोशन रोही जो हैं एक मॉडल के साथ दो साल रिलेशनशिप में रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उस मॉडल के साथ उन्हें रहने में अब शर्म आ रही है, क्योंकि जाहिर सी बात है फिल्म इंडस्ट्री, और फिल्म इंडस्ट्री में जो कंट्रोवर्सी होता है, रिलेशनशिप का जो धंधा होता है, यूं कहें तो आप बहुत पुराना है और इसको लोग बहुत बखूबी से जानते हैं, लेकिन इस तरीके से दो साल के बाद अगर कीजिए हटाते हैं। ये देखिए स्क्रीन पर जो आप फोटोग्राफ देख रहे हैं, पूरी फैमिली है, हाँ ये माँ है, उनकी पूरी फैमिली है, और किस तरीके से प्यारा सा एक फोटोग्राफ है, और इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि किस तरीके से रिलेशन में रहने के बावजूद एक घर में एक बिटिया जाती है, शादीशुदा दो साल के साथ रहती है, और इसके बाद अगर छोड़ा जाता है तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं रोशन सिंह जो रोशन रोही जी हैं उनको सोचना चाहिए और उनको समझना चाहिए कि भाई किसी भी लेडीज़ को इस तरीके से नहीं करना चाहिए। फिलहाल अगर रोशन रोही से आपकी कोई कुछ कहना हो कि भाई यदि आपकी गलती है तो आप क्या उनसे वो आना चाहेंगे तो क्या कोई शर्त होगा आपका, अगर रोशन जी आपके पास आना चाहेंगे तो क्या क्या शर्त रहेगा? शादी करना है और बॉन्ड बनवाना है कि हमें कुछ भी होगा उसके जी माफ होंगे, क्योंकि वो बहुत साइको है, पागल है, मारना तो बहुत बुरे तरीके से किसी को जानता है। अगर वो पैसे देकर आपको क्यूट करना चाहें कि चलो ठीक है एक चलता है कि भाई पैसे ले लो आप साइड हो जाओ, कौन पैसा देगा हमको? रोशन जी यदि अगर आपको ऑफर करते हैं, कहते हैं कि भाई पैसा ले लो साइड हो जाओ मेरे चीज़ें से, क्योंकि सुपरस्टार बन चुके हैं मगही के, तो खास करके बन चुके हैं, गाने बज रहे हैं, स्टार्डम कितने दिनों तक रहेगी ये नहीं पता है, लेकिन फिलहाल के लिए तो बन चुके हैं, और मुझे पता है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में चार दिनों की चांदनी होती है, लोग गायब भी हो जाते हैं, तो क्या लगता है आपको आप रहेंगे साथ में? हम उन्हीं के साथ रहेंगे, हमको पैसा नहीं चाहिए, हमको रोशन रोही चाहिए। तो भाई सिंपल सी बात है, रोशन रोही ही चाहिए। तो जाहिर सी बात है आप क्या सोचते हैं इनके बारे में, आप कुछ भी सोचते हैं एक महिला के बारे में, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।